आज हमें आप लोगों को बताना है कि फलन e टू द पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कैसे करते हैं। फलन e टू द पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कैसे करते हैं, तो आइए देखिए। कोई दिया हुआ फलन है f x इज इक्वल e टू द पावर x, तो हम इसे लिख सकते हैं f x प्लस h इक्वल e टू द पावर x प्लस एच। हम ये जानते हैं कि यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक dx ऑफ e टू द पावर एक्स होता है। तो हम लिख सकते हैं dx ऑफ e टू द पावर एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x प्लस h माइनस e टू द पावर x अपॉन h इज इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x इनटू e टू द पावर h माइनस e टू द पावर x अपॉन h। लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे, बचेगा e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। अब हम पाते क्या है, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x, e टू द पावर h का प्रसार होता है 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश, आगे ये बचा माइनस 1 और कुल के अपॉन h। अब हम लिख सकते हैं इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x। यहां से देखिए 1 और 1 कट गया, 1 1 कट गया, तो यहां ऊपर यदि हम h कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचा 1 प्लस h अपान फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 और उनके अपॉन h, तो h से और h कट गया। अब हम यहां क्या पाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x कोष्ठक में 1 प्लस h अपान फैक्टोरियल 1 प्लस h स्क्वायर अपान h अपान फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। ध्यान दीजिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x h कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1 बाय फैक्टोरियल 1 का 1 हो गया, 1 प्लस h बाय फैक्टोरियल 2 प्लस h बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। अब यहां h से h कट गया, मेरे पास बचा e टू द पावर x प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश।
अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू दी पावर एक्स कोष्ठक में वन प्लस एच कॉमन ले लीजिए तो बचता है हमारा वन अपान फैक्टोरियल टू प्लस एच अपान फैक्टोरियल तीन प्लस एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल चार प्लस डैश डैश डैश। तो ये हो जाएगा, यदि हम एच को जीरो मान दें तो ये पूरा मान शून्य हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स। इसीलिए लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स बराबर ई टू दी पावर एक्स। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से देखिए, फलन ई टू द पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल ई टू द पावर एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच बराबर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस एच। ई टू द पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स होता है, इसलिए डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो इसका मान रखें तो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस एच, और एफ एक्स का मान रखें तो ई टू द पावर एक्स अपान एच। अब हम ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एच माइनस ई टू द पावर एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए ई टू द पावर एक्स यहाँ कॉमन ले लिए तो बचा हमारा ई टू द पावर एच माइनस वन अपान एच। अब ई टू द पावर एच का हम प्रसार करते हैं तो ई टू द पावर एच का प्रसार होता है एच अपान फैक्टोरियल वन प्लस एच अपान फैक्टोरियल वन प्लस एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू प्लस एच क्यूब अपान फैक्टोरियल थ्री प्लस डैश 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 माइनस वन माइनस वन। माइनस वन से वन कट गया, मेरे पास बचता है लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स। एच कॉमन ले लिए कोष्ठक में वन प्लस एच अपान फैक्टोरियल टू प्लस एच अपान फैक्टोरियल तीन एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल तीन प्लस डैश 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 अपान एच। अब एच से एच कट गया, बचा लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स वन प्लस एच अपान फैक्टोरियल टू प्लस एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल तीन प्लस डैश डैश डैश। अब हम यहाँ पाते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स वन प्लस एच कॉमन लेने तो हमें बचता है वन अपान फैक्टोरियल टू प्लस एच अपान फैक्टोरियल तीन प्लस एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल चार प्लस डैश डैश डैश। तो हम ये हमारे पास यह एक श्रेणी है, एक अभिसारी श्रेणी है, और यदि हम एच का मान शून्य लेते हैं तो यह अभिसारी श्रेणी का शून्य से गुणा होगा तो शून्य हो जाएगा, इसलिए ई टू द पावर एक्स का वन से गुणा होगा तो ई टू द पावर एक्स हो गया और आगे जीरो हो जाता है, इसलिए डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स बराबर ई एक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, एक फलन और है उसका देखिए हम अवकल गुणांक कैसे करते हैं। अगला फलन है, ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा फलन है फलन ए टू द पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक कैसे करते हैं। तो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच इक्वल ए टू द पावर एक्स प्लस एच। ध्यान दीजिएगा, अतः एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स होगा, होता है। अब हम लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ध्यान दीजिएगा, पुनः लिखते हैं
is equal limit h tends to 0 a to the power x plus h minus a to the power x upon h is equal limit h tends to 0 a to the power x into a to the power h minus ax upon h इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा a टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। ध्यान दीजिएगा a टू द पावर x कॉमन ले लिया तो यहां बचा a टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। अब a टू द पावर h का प्रसार क्या होता है यहां लिख लीजिए लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर x कोष्ठक में 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 1 log a प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 log a का होल स्क्वायर। प्लस एच क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 3 लॉग ई ए का क्यूब प्लस डैश 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 माइनस 1 और ये कुल के बटे हो जाएगा एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स यहां से देखिए 1 कट गया कोष्ठक में बचा h प्लस नहीं h log a प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 log a का होल स्क्वायर प्लस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 log a का होल क्यूब प्लस डैश 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 अपॉन एच। अब लिमिट एच टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स एच यहां कॉमन ले लेते हैं तो बचता है लॉग ए प्लस एच बाय फैक्टोरियल 2 लॉग ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 लॉग ए का होल क्यूब प्लस डैश 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 अपॉन एच। अब एच से एच कट जाएगा अब बचा लिमिट एच टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स कोष्ठक में लॉग ई ए प्लस एच कॉमन ले लें तो हो जाएगा लॉग ये का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 3 लॉग ये का होल क्यूब प्लस डैश डैश डैश। अब हमें प्राप्त होता है लिमिट एच टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स लॉग ये प्लस एच इंटू एक अभिसारी श्रेणी तो ये बराबर हो जाएगा यदि हम एच का मान शून्य मान लें तो एच का एक अभिसारी श्रेणी में गुणा करते हैं तो उसका मान शून्य हो जाता है तो इसलिए हो जाता है टू द पावर एक्स लॉग ये। अतः डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इज इक्वल होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ये। इस तरह हम फलन ए टू द पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर से
देख लें एफ एक्स इज इक्वल ए टू द पावर एक्स, तो एक्स एक्स प्लस एच इक्वल ए टू द पावर एक्स प्लस एच, अतः ए टू द पावर एक्स का एक्स के साथ एक्स अवकल गुणांक डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स होता है। अब डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो ए टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस ए टू द पावर एक्स अपान एच इज इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो ए टू द पावर एक्स, हमने कॉमन ले लिया तो ए टू द पावर एच नहीं ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एच माइनस ए टू द पावर एक्स अपान एच इज इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो ए टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया तो बचा ए टू द पावर एच माइनस वन अपान एच। अब ध्यान दीजिएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का हम प्रसार करते हैं तो ए टू द पावर एक्स का प्रसार होता है वन प्लस एच अपान फैक्टोरियल वन लागिए प्लस एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू लागिए का होल स्क्वायर प्लस एच क्यू अपान फैक्टोरियल थ्री कोष्ठक में लॉग ए का होल क्यू प्लस डैश 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 माइनस वन अपान एच, तो माइनस वन कट गया। अब हमारे पास बचता है लिमिट एच टेंस टू जीरो ए टू द पावर एक्स एच लागिए प्लस एच स्क्वायर अपन फैक्टोरियल टू लाग ए का होल स्क्वायर प्लस एच क्यू अपन फैक्टोरियल थ्री लाग ए का होल क्यू प्लस डैश डैश डैश। अब यहाँ पर हम एच कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बचता है लिमिट एच टेंस टू जीरो ए टू द पावर एक्स एच कॉमन ले लिए तो बचा लाग ए प्लस एच अपन फैक्टोरियल टू लाग ए का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपन फैक्टोरियल थ्री लाग ए का होल क्यूब प्लस डैश डैश डैश। अब हम यहाँ पाते हैं क्या एच कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है लिमिट एच टेंस टू जीरो ए टू द पावर एक्स लिमिट लॉग ई ए प्लस एच इंटू कोष्ठक में लॉग ई ए का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू प्लस एच इंटू फैक्टोरियल तीन अपान इंटू लॉग ई ए का होल क्यू प्लस डैश डैश डैश। मतलब हमको ये मिलता है कि एच के बाद यह एक अभिसारी श्रेणी है जिसका हम एच से गुणा करते हैं। तो एक अभिसारी श्रेणी में जब एच का गुणा करते हैं और एच का मान शून्य लेते हैं तो ये पूरा मान शून्य हो जाता है, अतः लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू द पावर एक्स लॉग ई ए को ध्यान दे तो हमारा बचता है ए टू द पावर एक्स लॉग ई ए। इस प्रकार ए टू द पावर एक्स का अवकल गुणांक ए टू द पावर एक्स लॉग ये होता है।